How to take the full backup of Android phone. Hi friends, Siddharth here from Technobuzz.net. काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे लोग हमारे YouTube पे आके कमेंट कर रहे थे कैसे अपने फ़ोन का वो फुल बैकअप ले सकते हैं ताकि उसे कॉन्टैक्ट्स, जीमेल, SMS, फोटोज, वीडियोस सभी के सभी एक तरीके से बैकअप उनका सेफ हो जाए और कभी भी जब उनको जरूरत पड़े तो उसको आसानी से वो रीस्टोर कर सकें। तो आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप विदाउट अपने फ़ोन को रूट किए हुए कैसे अपने फ़ोन का फुल बैकअप ले सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कैसे आप अपने फ़ोन का फुल बैकअप ले सकते हैं, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके SMS, आपके फ़ोटोज़, आपके इमेजेस, आपके एप्लीकेशन सारे के सारे बैकअप में सेव्ड हो जाएंगे और आप उसको आसानी से कभी भी कहीं से भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, तो चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए Technobuzz.net चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट टेक अपडेट्स आपको मिल सकें। तो दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है बैकअप करने के लिए, सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और बाकी सारे के सारे आपके फ़ोन के अंदर जो है डिफॉल्ट फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू अपने फ़ोन का बैकअप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बैकअप कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपका फ़ोन है, हमारे पास MIUI का फ़ोन है, इसमें स्टॉक एंड्रॉइड रन कर रहा है। हो सकता है काफ़ी सारी सेटिंग्स आपके फ़ोन में ऊपर नीचे हो या किसी और सेक्शन में मिलें, बट मिल जाती हैं आपको कहीं ना कहीं वो सर्च करने पर। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में जाना है। सिस्टम पर जाके आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है बैकअप ऑन, आपको इसके ऊपर एक बार टैप करना है। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो बैकअप टू गूगल ड्राइव है, जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है बैकअप टू गूगल ड्राइव, ये इनेबल होना चाहिए। इसके थ्रू जो है आपके जितने भी फ़ोन के अंदर जो ऐप का डाटा होता है, कॉल हिस्ट्री होती है, डिवाइस सेटिंग्स होती हैं, फोटोज एंड वीडियोज़ होती हैं, SMS और टेक्स्ट होते हैं, जो गूगल के जो क्लाउड सर्वर होता है, ड्राइव्स होती है, उसके अंदर सेव हो जाती है। क्योंकि आपका जो फ़ोन है हमेशा गूगल के किसी अकाउंट पर रन कर रहा होता है, जैसे कि हमारा भी आप देख पा रहे हैं कि हमने अकाउंट से लॉग इन कर रखा है अपने फ़ोन को, तभी आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउन कर लेते हैं। तो ये सेटिंग आपके अंदर एक्टिवेट होनी चाहिए और ये बैकअप टू गूगल ड्राइव का जो ऑप्शन है सबसे ऊपर वाला, ये इनेबल होना चाहिए। इससे जो भी आपकी ये पांच चीजें जो हमको दिखाई कंटेंट में, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली जो है गूगल ड्राइव पे बैकअप होती रहा करेंगी। तो ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात क्या है, फोटोज और इमेज को कैसे बैकअप लें। तो होता है क्या है कई बार दोस्तों कि आप जब बैकअप लेना चाहते हैं तो आपको पता नहीं चलता कैसे बैकअप लेना है। तो गूगल की एक एप्लीकेशन आती है गूगल फोटोज़, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। मोस्टली हर स्टॉक एंड्रॉइड फ़ोन होता है उसके अंदर ही पहले से इंस्टॉल्ड होती है। तो आपको क्या करना है, गूगल फोटोज़ को खोलना है। गूगल फोटोज़ को खोलते आपके सामने कुछ ऐसा लेआउट आता है। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे एक मेनू का ऑप्शन है, आप इस पर जैसे ही टैप करेंगे आपको ये इस तरीके का पेज खुलता है। आपको यहाँ पे नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखता है, ये रहा सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको सबसे ऊपर देखने को मिलता है बैकअप एंड सिंक। अब जैसे ही इसके ऊपर टैप करेंगे आपको क्या करना है, बैकअप एंड सिंक का जो ऑप्शन है उसको इनेबल कर देना है। उसके बाद क्या है, जितनी भी आपकी फोटोज़ और जो वीडियो फाइल होंगी वो ऑटोमेटिकली जो आपका जो गूगल अकाउंट है उसमें बैकअप होती रहेंगी जब भी आप वाईफाई पे कनेक्टेड होंगे। इससे हुआ कि जब भी आप किसी भी फ़ोन को, नए फ़ोन को यूज़ करते हैं तो उसमें आप आसानी से अपने उसी अकाउंट को लॉगिन करके वो सारे की सारी फोटोज़ और वीडियो को आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। सिर्फ वाईफाई पे काम करता है, अगर आप चाहते हैं कि डाटा पे भी काम करें तो आपको ये नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे सेलुलर डाटा बैकअप, फोटोज़ के लिए ऑन कर दीजिए और वीडियोज़ के लिए ऑन। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये जो काफ़ी डाटा आपका खाएगा, काफ़ी आपके डाटा जो है इस आपके फ़ोन में से यूज़ होगा। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप इसको वाईफाई पे ही यूज़ करें ताकि आपको वाईफाई के ऊपर जल्दी भी अपलोड हो जाएगा और जल्दी डाउनलोड भी हो जाएगी सारे के सारे आपके फोटोज़ और इमेजेस, और आसानी से आप कभी भी अपनी फोटोज़ और इमेजेस का आसानी से आप कभी भी बैकअप ले सकते हैं। तो ये जो कुछ बातें थी मैंने आपको बताई, अब मैं बताता हूँ वो कैसे अपने जीमेल अकाउंट, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह का बैकअप लेना है। तो उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, फिर से सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज़र अकाउंट्स का, जैसे देख पा रहे हैं आप यूज़र एंड अकाउंट, कई बार कई फोनों में अकाउंट्स नाम से होता है। तो आप इसके ऊपर टैप करेंगे, आप इसके ऊपर टैप करते जो आपका गूगल अकाउंट है उसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आता है, ईमेल आईडी लिखा था उस पर आप टैप करते हैं या अकाउंट सिंक पर टैप करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ऐप डाटा, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव, जीमेल, गूगल फीड डाटा। आपको जिन जिन का बैकअप लेना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कॉन्टैक्ट्स का बैकअप लेना चाहते हैं उसको इनेबल कर लीजिए। सारे के सारे जैसे प्ले टीवी म्यूजिक वगैरह, प्ले बुक्स हो गई, जो भी हो गई, आप सबको इनेबल कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर टैप करके इसको आप सिंक करना है तो सिंक नाउ कर दीजिए। अब सारे के सारे जो आपके डाटा है, जैसे ऐप डाटा हो गया, कैलेंडर हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, ड्राइव हो गया, जीमेल के मैसेज हो गए, गूगल फीड डाटा, प्ले बुक सेव कर रखी हैं वो, या मूवी सेव कर रखी हैं अपने प्ले म्यूजिक में, कुछ भी हैं और आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारे के सारे आसानी से आपके फ़ोन में सेव हो जाएं। और जब भी आप नए फोन में लॉगिन करेंगे, आप बैकअप लेना चाहेंगे, तो आपने बस टू द अपने जो भी मोबाइल में अकाउंट लॉगिन कर रखा था उसको आपने ऐड करना है और अपने आप सारा का सारा डाटा जो है आपके फोन में रिस्टोर हो जाएगा। तो ये तो थी ये सब बातें। अब चौथा बैकअप मैं जो बताने वाला हूँ उसको अगर आपके PC में सेव करना चाहते हैं तो आप कैसे करें, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सुपर बैकअप। ये वो एप्लीकेशन है, इसको हमने डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ऐप्स। ऐप्स में इसमें आपकी सारी की सारी जो APK फाइल्स होती हैं जो आपने डाउनलोड कर रखी हैं उसका आप बैकअप ले सकते हैं। आपको सिर्फ करना है ऐप्स को जाना है, बैकअप फाइल्स को सिलेक्ट करना है किस किस का बैकअप लेना है, उन्हीं जाके आप बैकअप ले सकते हैं और आसानी के सारे आपके सारी फाइलें बैकअप हो सकती हैं।
सकते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे आप इन फाइलों को अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। उसी तरीके से आप SMS का, कॉन्टैक्ट्स का, कॉल लॉग्स का, SMS कैलेंडर्स, बुकमार्क्स, गूगल ड्राइव सबका बैकअप ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको ये सारी बैकअप फाइल कहाँ सेव करनी है और कहाँ से आप इन बैकअप फाइल्स को उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में फाइल मैनेजर को डाउनलोड करना है। कोई भी फाइल मैनेजर डाउनलोड के लिए आपके फोन में ऑलरेडी है, जैसे हमारे फोन में ऑलरेडी है फाइल मैनेजर, हम इसको खोलेंगे और जो हमारी जो स्टोरेज है उसके अंदर हम जाएंगे। स्टोरेज के अंदर आपको ऐसे काफ़ी सारे फोटो देखने को मिलते हैं, फोल्डर देखने को मिलते हैं। तो ये जो DCIM फोल्डर होता है इसके अंदर आपकी सारी इमेजेस फाइल्स होंगी, डाउनलोड के अंदर आपके सारे डाउनलोड प्रोडक्ट्स होंगे, और जो SMS कॉन्टैक्ट बैकअप का जो एप्लीकेशन था जो हमने भी जिसमें बैकअप लिए थे, जिसमें कॉन्टैक्ट्स वगैरह APK फाइल का, उसका बैकअप आपको यहां मिलेगा। जैसे APK का बैकअप लिया तो आपने क्या करना है, इस जो SMS कॉन्टैक्ट बैकअप का जो फाइल है इसको सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर में USB के थ्रू सेव कर सकते हैं। और जबकि आपको किसी फोन में रिस्टोर करना हो तो इसी फोल्डर को, SMS कॉन्टैक्ट बैकअप को, आपने स्टोरेज में आकर डाल देना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड कि उसमें जाके जैसे ही एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं आपको रिस्टोर करना है तो ऐप्स में जाएंगे, आपको रिस्टोर करना है तो रिस्टोर कर लीजिए, आपको जो जो बैकअप दिखता है SMS में जाएंगे तो SMS में जाकर इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी से सारी की सारी फाइलें, जो भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह कुछ भी, जैसे रिस्टोर का ऑप्शन मिला तो रिस्टोर दबाएंगे, आपको सर्च करेगा फाइल को और आपके फोन में रिस्टोर कर देगा। तो ये चार चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। जो पहली तीन चीज़ें हैं वो उसमें क्या होता है, गूगल ड्राइव में आपका बैकअप हो जाता है, गूगल ड्राइव में सेव रहता है। अगर आप कंप्यूटर पर लेना चाहते हैं बैकअप तो इस फोल्डर के थ्रू, ये जो एप्लीकेशन मैं आपको दिखाई सुपर बैकअप प्लस, मैं आपको प्ले स्टोर में जाकर दिखा देता हूँ एक बार कौन सी एप्लीकेशन है सुपर बैकअप एंड इंस्टॉल। ये वो एप्लीकेशन है जिसको आपने इंस्टॉल करना है। तो इस तरीके से आप आसानी से बिना अपने फोन को रूट किए हुए अपने फोन का कंप्लीटली बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आपका फोन में कुछ हो जाता है, या चोरी हो सकता है, या गुम हो सकता है, या डैमेज हो सकता है, या डाटा करप्ट हो सकता है, तो इस तरीके से आप आसानी से जो भी आपके फोटोज थी, ईमेल्स थी, SMS थे, जो भी आपके पर्सनल फाइल्स थी, उसको आसानी से अपने फोन में रिस्टोर कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ फाइल मैनेजर के अंदर कौन कौन से फोल्डर होते हैं जिनका आपको बैकअप लेना पड़ता है। जैसे DSIM हो गया, इसके अंदर आपकी सारी फोटोज होती हैं, डाउनलोड के अंदर आपकी डाउनलोड फाइल्स होती हैं, और SMS कॉन्टैक्ट बैकअप के अंदर जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया था उससे अपनी APK फाइल्स या कुछ भी कॉल लॉग्स का बैकअप लिया वो इसके अंदर आपको मिलेंगी। तो बस ये जो कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप कौन सा मेथड पसंद करते हैं बैकअप लेने का। अगर आपके पास इससे अच्छी कोई टिप है तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चल सके। तो चलिए इसके साथ वीडियो को खत्म करते हैं, टेक केयर, बाय बाय।